हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी इलेक्ट्रोड। मायसेल्फ देवजीत, फाउंडर एंड CTO ऑफ डी इलेक्ट्रोड। आज मैं फिर एक वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो आने में, क्योंकि मेरा पिछला वीडियो थोड़ा सा मैं जल्दबाजी में बना लिया था, एंड ये वीडियो थोड़ा सा आने में लेट हुआ क्योंकि बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। सबसे पहले मैं थैंक्स आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जो भी मेरे व्यूअर्स है, जो भी मेरे क्लाइंट्स है, जो भी मुझे मेरा कंपनी, मेरा ब्रांड्स या फिर मेरे जो प्रोडक्ट्स है उसको लाइक करते हैं, इतना सारा प्यार देने के लिए। मेरा पिछला वीडियो में लगभग अभी 92,000 के आसपास व्यूअर्स है, मेरे ख्याल से 1 मिलियन तक चल जाएगा आप लोगों का प्यार से। सो, आज मैं जो वीडियो लाया हूँ वो मैं बताया था इसके पहले कि मैं साइकिल लेके वीडियो लाऊंगा। आप लोग इसके पहले भी मेरा वीडियो देखे होंगे साइकिल लेके, पर ये जो लाया हूँ ये टोटली डिफरेंट एक मॉडल है जो कि मार्कोस नाम से है, मार्कोस एंड राइडर प्रो। तो ये दोनों जो मॉडल है ये दोनों अभी जस्ट नया लॉन्च हुआ है हम लोग का डी इलेक्ट्रोड में, एंड इसमें आप देख पाएंगे, मैं सिनेमैटिक्स में दिखाऊंगा इसमें क्या क्या है। तो मैं शुरू करता हूँ इसका फ़ीचर्स लेके। तो सबसे पहले मैं इसमें एक फ़ीचर्स का इसमें जो भंडार है ना, मैं उसको स्टार्ट करता हूँ पहले बताना। ये साइकिल ना फुल्ली एक लोडेड साइकिल है विद टेक्नोलॉजीज। इसके पहले जो साइकिल था उसमें बहुत जन कहा था कि क्या है इसमें, जस्ट एक इंडिकेटर है तो बस इसमें टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ गया है, या फिर इस रेट में जो दे रहे हैं इसके लिए आपका ज़्यादा टेक्नोलॉजी आप बोले कि बढ़ गया है। वैसा नहीं है, हम लोग बोले थे कि हम लोग अपग्रेड करेंगे, जितना डे बाई डे जैसे होगा वैसे हम लोग टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेंगे। तो अभी सिनेमैटिक्स में आप लोग को थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या है, मैं सिनेमैटिक दिखाता हूँ उसके बाद मैं डिटेल्स में बताता हूँ। चलिए थोड़ा सिनेमैटिक्स देख लीजिए। Is amazing, waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each new one. तो इसमें आप लोग क्या क्या अलग देखे हैं, सबसे फर्स्ट मैं आ जाता हूँ इंडिकेटर्स। वही इंडिकेटर्स है जो पहले था, पर ये अलग तरीके से जलता है। ये हो गया रनिंग इंडिकेटर्स, जो कि आप ऑडी में देखे होंगे, एक तरफ से इसका जलना शुरू होता है, दूसरी तरफ एंड होता है। सो ये रनिंग इंडिकेटर्स जो है ये सबसे अट्रैक्टिव है, और पहले से बहुत ब्राइट इंडिकेटर्स हम लोग यूज़ किए हैं, और भी बेटर क्वालिटी एंड प्रीमियम क्वालिटी के साथ। ये जो इंडिकेटर्स है ये कॉस्टली होते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट आता हूँ हेडलाइट पर। हेडलाइट जो इसमें है 6 LED हेडलाइट है, जो कि रात को अगर आप चलाएंगे तो आपको स्कूटी या बाइक से कम में इसमें हेडलाइट का इसका हेडलाइट का जो ब्राइटनेस है वो एक स्कूटी या कोई भी बाइक से कम नहीं है, इतना ब्राइट है।
थर्ड इसमें डिस्प्ले, इसमें जो डिस्प्ले यूनिट है इसमें आपको सब कुछ शो करेगा, स्पीड कितना आपका किलोमीटर चला हुआ है साइकिल, कितना वोल्टेज है, बैटरी का परसेंटेज कितना बचा हुआ है, इंडिकेटर जब जला रहे हैं तो लेफ्ट इंडिकेटर जलाने से लेफ्ट इंडिकेटर शो करेगा, राइट जलाने से राइट शो करेगा, हेडलाइट जलाते हैं तो उसका भी इंडिकेटर आपको शो करेगा, सब कुछ पार्ट बाय पार्ट इसमें आपको शो करेगा। मतलब इसमें सब मतलब आपको मतलब कोई भी चीज़ आप इसमें यूज़ कर रहे हैं तो वो इसका डिस्प्ले में शो करेगा। आपका अगर बैटरी डाउन है तब भी ब्लिंक करेगा, अगर आपका मोटर में कोई प्रॉब्लम आता है तो यहाँ शो करेगा कि मोटर इंडिकेशन देगा कि मोटर में आपका प्रॉब्लम आ रहा है या फिर मोटर में आपको कुछ तकलीफ है, जो यहाँ पे आपको शो करेगा, एक ब्लिंक होगा, रेड ब्लिंक करेगा अगर मोटर में कभी कोई प्रॉब्लम होता है तो ये सब चीज़ इस डिस्प्ले में दिखाएगा। साथ में साइड में और एक डिस्प्ले है छोटा सा थ्रॉटल में, जो कि बैटरी का इंडिकेशन दिखाता है, वो सेकेंडरी है, आपको इसमें भी दिखाएगा, इसमें भी दिखाएगा। फिर आ जाते हैं डुअल डिस्क ब्रेक, सेमी फैट टायर, अभी फैट टायर में भी अवेलेबल हो जाएगा हम लोगों का साइकिल्स, उसमें भी हम लोग वीडियोस बनाएंगे, फैट टायर अभी ऑन प्रोसेस है, फैट टायर्स में भी आएगा। तो अभी सेमी फैट टायर में है 2.30 2.40 टायर के साथ। फ्रंट सस्पेंशन, इसका जो सस्पेंशन है इतना स्मूथ है, आप मतलब खुद चलाएंगे तो उसमें पता चलेगा इतना स्मूथ। बहुत सारा साइकिल्स में सस्पेंशन होता है कि बम्पर या फिर कोई भी स्पीड ब्रेकर पार करने के बाद उसमें लगता है, उसमें आवाज़ होता है ढक करके, इसमें वो सिस्टम नहीं है, एकदम स्मूथ है, जस्ट लाइक बाइक। अब चलाइएगा तो आपको इतना कम्फर्ट फील होगा इसमें। उसके बाद आ जाता है इसमें मोटर, जो मोटर का स्पेसिफिकेशन है उसको मैं बता देता हूँ। 36 वोल्ट 250 वाट मोटर है, इनफैक्ट 350 वाट में भी हम लोग अवेलेबल करते हैं, पर वो ऑन कस्टमर्स चॉइस या फिर कस्टमर्स डिमांड। फिर आ जाता है इसमें फ्रेम, कार्बन स्टील फ्रेम, वही मेरा हम लोग का कार्बन स्टील फ्रेम जिसमें 14 इयर्स का हम लोग वारंटी देते हैं। बैटरी हम लोग का यहाँ वेरिएंट है 8.5 एम्स, 10.5 एम्स, 12.5 एम्स, इनफैक्ट अगर आप ऑर्डर करते हैं तो 15 एम्पियर पे भी बैटरी आपको मिल जाएगा, जो कि आपको बैकअप देगा अप्रॉक्सीमेटली 80-85 के आसपास। सो फुल्ली लोडेड विद टेक्नोलॉजीज, ऊपर से इसमें जो फ्रेम है, फ्रेम में हम लोग 14 इयर्स का वारंटी देते हैं, वायरिंग जितना है वो फ्रेम के अंदर वायरिंग है, कोई वायरिंग आपको बाहर नहीं दिखेगा, मतलब ये थोड़ा बहुत दिखेगा जो कि बाहर रहना है, इसको हम लोग कर नहीं सकते कुछ, गाड़ी का भी कुछ वायरिंग बाहर रहता है, पर बाकी का जो भी है इन फ्रेम है, जो भी वायरिंग है इन फ्रेम जाता है, ठीक है, विथ जो केसिंग होता है वाटरप्रूफ केसिंग के साथ, जो कि अंदर में इसको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, शॉर्ट ना कर जाए, इसलिए वो दिया जाता है। इसमें इंडिकेटर्स आप देख चुके हैं, डिस्प्ले देख चुके हैं। अब आ जाते हैं इसका ब्रेकिंग सिस्टम में, इसका जो ब्रेक है वो पावर कट ऑफ के साथ है, मतलब जब आप मान लीजिए एक्सीलेटर दे रहे हैं और साथ में ब्रेक प्रेस कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे साइकिल्स में ऐसा होता है कि पावर ब्रेक्स नहीं देते वो लोग, क्यों, क्योंकि मतलब ये प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि आप मान लीजिए एक्सीलेटर दे रहे हैं और आपका ब्रेक भी आप एक टाइम पर दबा के रख रहे हैं, तो क्या होगा कि मोटर में प्रेशर पड़ेगा, उसमें पावर जाएगा पर वो कट ऑफ नहीं होगा। पर पावर ब्रेक होने से क्या होता है, ये जो पावर केबल है इससे क्या होता है, आप जब ब्रेक दबा के एक्सीलेटर मारेंगे या फिर आप एक्सीलेटर दिए हुए हैं, ब्रेक दबा दिए हैं, तो ये मोटर भी कट ऑफ हो जाता है, मतलब आपका मोटर में कोई पावर जाता ही नहीं है, तो वो घूमेगा भी, घूमने का कोशिश भी नहीं करेगा, तो वो सेफ रहेगा, उसमें आपका कोई वेयर एंड टीयर्स होगा नहीं, उसमें वोल्टेज नहीं जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, हीट नहीं होगा। सो इस तरीके से ये प्रोटेक्शन इसमें ज़रूरी है पावर ब्रेक का, ब्रेक के साथ, पावर ब्रेक नहीं रहेगा तो मोटर ख़राब हो सकता है। सो ये ओवरऑल एक स्पेसिफिकेशन है साइकिल का, और भी डिटेल्स अगर आपको जानना है तो आप हमारे वेबसाइट में विज़िट कर सकते हैं, वेबसाइट में इसका पूरा अपडेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड इसका जितना भी मतलब प्राइसिंग वगैरह है वो हम लोग डायरेक्टली क्लाइंट को बताएंगे एज़ पर द बैटरी, मतलब इसका जो फिक्स्ड रेट एक है पर बैटरी के साथ ये डिफ़र करता है, बैटरी ये जितना मतलब बढ़ेगा एम्पियर उतना बैटरी के साथ ये डिफ़र करेगा। सो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड आज के लिए इतना ही। सो ख़त्म करने से पहले आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ मेरा ही कंपनी का CEO शुभम कर्मकार, ये मेरा टीम का एक पावरफुल बंदा है। सो आज के लिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, एंड डी इलेक्ट्रोड फैमिली के साथ बने रहें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।